Hi everyone, welcome to Abhimanyu IAS. My name is Rohit Garcha and this is To The Point. Abhimanyu IAS is a platform which has more than 23 years of experience in UPSC and various PCS examinations, has delivered more than 2200 results since 1999. This is To The Point. To The Point ke andar aaj jo hamara topic hai, bahut chota sa topic hai wo, zombie eyes ke upar hai. The name is misleading, thoda dekhte hain zombie eyes kya cheez hai. Chota sa topic hai ye, fatafat isko khatam karte hain hum. And if you wish to cover current affairs for pre as well as mains, क्योंकि to the point के अंदर हम जो चीज़ करते हैं that is specifically for prelims. अगर holistically cover करना है सब कुछ, there is this course that is already running for pre as well as mains in both online and offline form. You get a 7 days free trial. Check it out. Link is in the description. Moving on to zombie eyes. थोड़ा सा context इसका यह है कि Greenland ice sheet के अंदर जो zombie eyes है, क्या है zombie eyes वो देखते हैं अभी. ग्रीनलैंड आइस शीट के जो zombie eyes है, इट विल इवेंचुअली रेज द ग्लोबल सी लेवल बाय एटलीस्ट 10 inches और 27 सेंटीमीटर्स. नाउ एज aspirants, वी नो दैट कोस्टल एरियाज और उसकी इकोनॉमी पे उसका जो इफेक्ट है वो कितना ज़्यादा होता है. सो इस टाइप की चीज़ इट विल डिसरप्ट द होल वर्ल्ड. तो ये थोड़ा सा अवेयर रहने के लिए कि हाउ टू प्लान और थोड़ा सा मिटिगेट कर ले हम इस चीज़ को, ये टॉपिक में zombie eyes क्या है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है. What is zombie eyes? थोड़ा समझते हैं. Zombie eyes also known as doomed eyes, very conveniently named. अभी आपको समझ में आएगा क्यों. Is the one that continues to be a segment of what? Of the parent eyes. देखो यहाँ पे जो चीज़ ध्यान रखने वाली है वो ये है that it continues to be a segment. It does not break off. ये break off नहीं होती है. It continues to be a part of the segment. ये इस अगर कभी कन्फ्यूजन हो तो ये एक पॉइंट बन सकता है कन्फ्यूजन का. दैट्स व्हाई आई एम लाइक एक्सप्लिसिटली मेंशनिंग कि ये ध्यान रखने वाली चीज़ है. कंटिन्यूज टू बी अ सेगमेंट ऑफ द पेरेंट आइज बट डज नॉट एक्यूमुलेट फ्रेश स्नो. एंड इफ इट इज नॉट एक्यूमुलेटिंग फ्रेश स्नो और वी नो दैट ग्लोबल वार्मिंग इज देयर, तो क्या होगा? इट विल मेल्ट अवे. तो दिस इज द फ्लो ऑफ लॉजिक इन दिस. सच आइज इज कमिटेड to melting away and increasing sea levels. Simple enough. Moving on. क्या phenomena है जिससे zombie eyes जो है वो form होती है या फिर इस type की problem आती है? Number one, it is because of the warming that has affected the climate already. We know, बहुत generic point है, बहुत straightforward point है. The study focuses on an equipoise condition where snowfall from the northerly extremes of Greenland ice cap melts down to रिचार्ज एजेस ऑफ द स्नो ग्लेशियर्स एंड हार्डन्स देम. एजेस तक जो है स्नो वहां से मेल्ट डाउन होकर द्वारा रीफ्रीज होती है. दैट इज हाउ द इक्विलिब्रियम इज मेंटेन्ड. इक्विपॉइस का मतलब होता है, टू बी एग्जैक्ट, इट इज बैलेंस ऑफ फोर्सेस. इक्विपॉइस मीन्स की देर इज अ बैलेंस ऑफ फोर्सेज. तो कौन कौन से दो फोर्सेज की बात हो रही है? कि वहां से जो मेल्ट डाउन होकर आ रहा है और यहां पर कितना जम रहा है, मतलब कितना रुक रहा है हमारे पास. तो ये उसकी उस बैलेंस की बात कर रहे हैं. द स्टडी रिवील्स दैट ओवर द पास्ट सेवरल डेकेड्स देयर हैज बीन लेस रिप्लेनिशमेंट एंड मोर मेल्टिंग. एक छोटी सी इक्वेशन बनती है हमारे पास कि जो मेल्टिंग है इट इज मोर देन रिप्लेनिशमेंट. ये मुद्दा है यहां पे, ये है कोर इसका, ये है क्रक्स की इसकी जो मेल्टिंग है इट इज मोर देन रिप्लेनिशमेंट, विच मीन्स कि इट विल श्रिंक आउट, श्रिंक अवे हो जाएगा. दिस इज हाउ द एज लुक्स. यहां पे आके जो है वो रीफ्रीज और जो मेल्टेड चीज है वो यहां पे रीफ्रीज होने का होना चाहिए. मतलब व्हाट इट शुड बी इज इट शुड रीफ्रीज बट नाउ इट मेल्ट्स अवे. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट. दो डेटा पॉइंट्स हैं हमारे पास यहाँ पे कि इससे होगा क्या. सो नंबर वन, इसके यूएन एटलस ऑफ ओशंस, उन्होंने कहा है कि 8 out of 10 वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिटीज आर क्लोज टू द कोस्ट. अब ये चीज़ें आप डायरेक्टली कोट कर सकते हैं. इस टाइप की चीज़ें हम जो है अपनी क्लास में करते हैं मेंस, जिसमें पूरा होता है, ताकि इस टाइप का डाटा आपके पास आ जाए, कि ढूंढना ना पड़े इधर उधर और आपके आंसर को वैलिडेशन मिल जाए. अगेन 7 days free trial, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, आप उसको जरूर चेकआउट कीजिए.
Increasing sea levels will cause high tides, floods, and storms to occur more frequently. It will lead to threats to local economies and infrastructure. The low-lying coastal regions will have to bear the harder hit. Simple enough. World Economic Forum का 2019 का Global Risk Report का data बोलता है कि 800 million people in 570 coastal cities are already endangered by rise in the sea level by, उन्होंने कितनी prediction दी है? 0.5 meters, 50 centimeter, by 2050. तो ये राइज होने वाला है और उसमें हमने उसका देख लिया कि ग्रीन लाइन की जॉम्बी आइस का कितना भाग है. मूविंग ऑन, एक क्वेश्चन देखते हैं. यू कैन पॉज द वीडियो इफ यू वांट टू अटेम्प्ट इट ऑन योर ओन, बट ये थोड़ा सा जो अभी के केस में इट इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन एंड इफ इट कम्स इन द एग्जामिनेशन और आपने जॉम्बी आइस के बारे में पढ़ा है तो इट फॉल्स अंडर इजी कैटेगरी, और अगर नहीं पढ़ा है तो ये अनअटेम्प्टेबल है. तो ये अनअटेम्प्टेबल आपका क्वेश्चन रहने वाला है क्योंकि आपको ऑप्शन दिखेंगे अभी कि एग्जामिनर ने किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पुट किए हैं, किस टाइप के ऑप्शन दिए हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन जॉम्बी आइस. नंबर वन, इट इज अ टाइप ऑफ नारकोटिक ड्रग लिस्टेड अंडर एनडीपीएस एक्ट. एनडीपीएस एक्ट के बारे में भी पढ़ लेना वैसे, यहाँ पे अगर मैंशन हो ही गया तो जरूर ट्राई इट आउट. सेकेंड इज द पार्ट ऑफ आइस शीट्स विच आर मेल्टिंग अवे ड्यू टू लेस रिप्लेनिशमेंट. सो वी नो दैट दिस इज द आंसर. बाकी सब तो घुमाने के लिए लिखा है. Ice contaminated with acid rain reminiscence, a virus that affects the nervous system of polar bears. So, what an option, yaar. Achha option dala. Yeah, so this is how the question will form on this zombie ice. Direct question aayega, maybe club karke ki which of the following is correctly matched, ya kuch bhi, aayega kuch definition based hi. Ya phir Greenland ice sheet ke upar, aapke thodi geography based jo hai, wo questions aa sakte hai. And this is today's topic in To The Point. My name is Rohit Garcha. Thanks for watching. This is Abhimanyu IAS.